फ्रेंड्स वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर आज हम फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिप्रोडक्शन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस डायग्राम में देखिए ये है फीमेल गैमेट जिसे हम एग या फिर ओवम भी कह सकते हैं और ये है मेल गैमेट दैट मीन्स स्पर्म तो जब एक और स्पर्म फ्यूज होके झाइगोड बनता है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं दैट तो मीन्स जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होके झागोड बनता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर होना मींस इस फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल उनके गैमेट्स सेम टाइम और सेम एरिया में रिलीज करते हैं एंड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट एक्सटर्नल इन्वामेंट सपोर्ट इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेल और फीमेल उनके जो गैमेट्स है दैट मीन्स पर्म और एक जो है वो वाटर में रिलीज करते हैं अब वाटर में रिलीज करने के बाद जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे कि वाटर टेम्परेचर या फिर जो सनलाइट है तो उनमें उन्हें फ्यूजन उन्हें फ्यूज़ करने में ये उनकी हेल्प करते हैं मोस्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग अब स्पॉनिंग मतलब क्या है तो स्पॉनिंग मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा फीमेल्स खुद के एग्स रिलीज करते हैं और जिस एरिया में एक ये जो फीमेल्स है ये एग रिलीज करते हैं उसी एरिया में सेम टाइम में मेल खुद के स्पर्म रिलीज़ करते हैं तो जो ये कंप्लीट प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पॉनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही होता है और यही एक्वेटिक एनवायरनमेंट एक को ड्राई होने से बचाता है सेकेंड टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ एन एग एंड स्पर्म सेल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसाइड द फीमेल बॉडी इसमें मेल गैमेट फीमेल बॉडी में रिलीज़ किया जाता है जो मेल होते हैं वो खुद के मेल गैमेट फीमेल बॉडी में रिलीज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन फ़ीमेल बॉडी में ही होता है फीमेल बॉडी के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन सीन यूजुअली इन टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट मीन्स जो लैंड पे रहते हैं उन एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है

प्रोड्यूस करते हैं जो एक देते हैं उन्हें ओ पैरस एनिमल कहेंगे और जो दूसरा है वो है वी वी पैरस दैट मीन्स जो एनिमल डायरेक्टली बर्थ देते हैं उन्हें वी वी पैरस एनिमल कहेंगे ओ पैरस और वी वी पैरस में क्या डिफरेंस है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल में अभी हम इन दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये पॉइंट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी अब आउटसाइड है दैट मीन्स एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या लिखना है जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है फीमेल बॉडी के बाहर होता है अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर इनसाइड द बॉडी अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है दैट मीन्स बॉडी के अंदर होता है तो जो भी फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो बॉडी के अंदर होगा सेकेंड पॉइंट है बोथ मेल एंड फीमेल रिलीज देअर गैमेट आउटसाइड द बॉडी तो वो आउटसाइड द बॉडी दैट मीन्स फीमेल बॉडी के बाहर या फिर दोनों जो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स है मेल और फीमेल वो खुद के गैमेट आउटसाइड द बॉडी दैट मीन्स बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं वाटर में सेकेंड पॉइंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन का है मेल रिलीज इट्स पर्म इन द फीमेल बॉडी तो जो भी मेल गैमेट है वो कहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं थर्ड पॉइंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन झाइगोड डेवलपमेंट ऑकर आउटसाइड द बॉडी अब झाइगोड फॉर्म कहाँ पे हुआ है बाहरी इन्वायरमेंट में फॉर्म हुआ है तो जो भी झाइगोड का डेवलपमेंट है वो बाहर ही हो जाएगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन झाईगोड डेवलपमेंट ऑकर इन साइड द बॉडी तो झाईगोड का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा नेक्स्ट पॉइंट सर्वाइवल ऑफ एम्बरियो इज लो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो बाहर आउटसाइड द बॉडी होता है ठीक है अब बाहर होता है इस वजह से जो प्रीडेटर्स है उनका ख़तरा ज़्यादा रहेगा तो इस वजह से ये जो भी एनिमल्स है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो एग्स ज़्यादा अमाउंट में देते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में देते हैं बट फिर भी वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीडेटर्स से उनको खतरा रहता है तो उस उस एग्स में से कुछ ही एग्स ज़िंदा रह पाते हैं तो इस वजह से हम ऐसा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ़ एम्ब्रियो इज़ लो in external fertilization. अब नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल का है सर्वाइवल ऑफ़ एम्ब्रियो इज़ हाई क्यों क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होती है फीमेल बॉडी के अंदर तो इस वजह से वहाँ पे सर्वाइवल उसका ज़्यादा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल्स का एग्जाम्पल है फ्रॉग और इंटरनल का आता है मैमल्स दैट मीन्स ह्यूमन बर्ड्स कैटल जो भी है जो भी टेरेस्टल एनिमल है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं यहाँ पे आप और एक पॉइंट लिख सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है एक्वेटिक गवर्नमेंट में होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है टेरेस्ट्रियल एनिमल में जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है तो ये बेसिकली छः पॉइंट्स आप यहाँ पर डिफ्रेंस में लिख सकते हो तो आज का पॉइंट हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक ही था अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू